दिन की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों से। नमस्कार, मैं प्रियांशी जैन और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। आज से शुरू होगा बजट सत्र का दूसरा चरण, संसद में पेश होगा बजट। बेरोजगारी और यूक्रेन युद्ध पर विपक्ष घेर सकती है सरकार को। जम्मू कश्मीर की भी आज भरी जाएगी झोली, संसद में प्रदेश का बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। आपको बता दें, प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत प्रदेश में पहले से ही कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कांग्रेस कार्यसमिति ने ठुकराया सोनिया गांधी का इस्तीफा, असंतुष्ट खेमे ने हार के कारणों पर किया मंथन। साथ ही साथ बैठक से पहले राहुल गांधी के लिए बुलंद हुई आवाजें। पीएम मोदी से मिले योगी, कहा कि यूपी को विकास की और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अमित शाह ने दोनों को खिलाई मिठाई और साथ ही साथ दिल्ली में योगी सरकार 2.0 बनाने का मंथन भी किया। सैन्य प्रशिक्षण केंद्र पर रूस ने किया हमला, यूक्रेन के पश्चिमी इलाके में गिराई गईं 30 मिसाइलें। पोलैंड के बॉर्डर के पास भी कई मिसाइलें गिराई गईं, इसमें 30 से 35 लोगों की जान गई है। साथ ही साथ पोलैंड के बॉर्डर पर गिरी मिसाइलों को लेकर नेटो ने दी रूस को चेतावनी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने दी भारत को धमकी, बोले कि भारत की मिसाइल का जवाब हम भी हमले से दे सकते थे, परंतु हमने होश से काम लिया। आपको बता दूं, इमरान खान इस मामले को तूल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार के खिलाफ अगले हफ्ते अविश्वास प्रस्ताव पेश होने वाला है। इंडिया 5 साल बाद श्रीलंका को दे सकती है क्लीन स्वीप, साथ ही साथ देश में लगातार 15वीं सीरीज भी जीत सकती है। कल के मैच में 447 रन का स्कोर रखा गया है श्रीलंका के सामने। और कल के मैच में एक वाक्या और हुआ, कुछ फैंस सिक्योरिटी को तोड़कर फील्ड में आए और उन्होंने कोहली के साथ फोटो लेने की कोशिश भी करी। ऋषभ पंत ने तोड़ा कपिल देव का 40 साल पुराना रिकॉर्ड, महज 28 गेंदों में बनाए पूरे 50 रन, विकेटकीपर में भी पहुंचे सबसे आगे। मिस्टर परफेक्शनिस्ट का आज जन्मदिन, आमिर खान हुए पूरे 57 साल के। अपने फिल्म करियर में तारे जमीन पर, थ्री इडियट्स और दंगल जैसी कई हिट फिल्में दे चुके हैं भारत को। उनकी अगली फिल्म लाल सिंह चड्ढा होगी। दादा की तरह पोती की दमदार हिंदी, सोशल मीडिया पर आराध्या बच्चन का एक वीडियो वायरल हो गया है। इस वीडियो में आराध्या शुद्ध हिंदी में एक कविता सुनाती हुई दिख रही हैं। आपको बता दें, इस वीडियो को देखने के बाद फैंस ने कई कमेंट्स किए और नीचे लिखा कि अमिताभ बच्चन की परंपरा को आगे तक चलाएंगी आराध्या। तो कैसी लगी आपको ये खबरें, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज को भी फॉलो करें।